सामने जो है वो मसरूर भाई बता रहे हैं ट्रैकिंग पॉइंट है, वो जो लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाते हैं और मसरूर भाई भी गए हैं ट्रैकिंग करने, कह रहे हैं काफी मजा आता है। खुदाम के साथ हम गए उधर पीक तक पहुंचा है, खुदामों के साथ जी, खुदामों नाम के साथ ज्यादा लंबा नहीं है वो, एक घंटा में पहुंचेगा ऊपर नीचे से। अच्छा एक घंटे में, जैसे हमारे हिमाचल वगैरह में भी ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ पे भी दो ढाई घंटे का ट्रैकिंग है, लेकिन वो सब में वो लंबा वो 14 घंटा 14 घंटे बहुत ऊंचा। अच्छा ये तो सिर्फ एक घंटा का, एक घंटा डेढ़ घंटा का, ये देखो दिखाओ वो। ये सामने जो आपको दिख रहा है पहाड़, इस ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह तो अमेरिका के जैसी हैं, काफ़ी साफ सुथरी बेहतरीन कंट्री है टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त। क्यों मसरूर भाई ये तो बहुत जबरदस्त लगी कंट्री, वो निकल गया ट्रैकिंग पॉइंट, गाड़ी की स्पीड देखो 80+। ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो है सामने कुआलालंपुर की मेन सिटी, मैं थोड़ा सा आउटर पे है मेरा जो रूम है, मैं मेन सिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ के मार्केट का नाइट का व्यू, अब थोड़ी थोड़ी रात होने लगी है, बेहतरीन बिल्डिंग्स तो भाई यहाँ पे एक से एक हैं। यहाँ पे रहने का क्या खर्चा है, क्या कैसे जाना है, कैसे सबसे सस्ता ट्रैवल करना है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा कि हमें कैब में टू व्हीलर सस्ता पड़ेगा कौन सा सस्ता पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो इस टाइम मैं मलेशिया के रेस्टोरेंट में रात का डिनर कर रहा हूँ मसरूर भाई के साथ। अब डिनर में हमने मंगाया है चिकन और यहाँ की स्पेशल डिश है सिंपल, यहाँ के नान दाल चटनी और चिकन ग्रिल। तो अब खाते हैं, खा के टेस्ट चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मलेशिया के खाने का क्या टेस्ट है। ये खड़ी है भाई मर्सिडीज जी वैगन, और यहाँ पे जो है आम पार्किंग जो है 5 से 6 मरले की पार्किंग ही पार्किंग। अब सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे गार्ड्स, अब हम निकलने लगे हैं मसरूर भाई के साथ US एम्बेसी, अभी लिफ्ट में आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ, अपने इंडिया में तो इस टाइम टाइम हो रहा है रात के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग हो रही है 7 बज रहे हैं सुबह के मलेशिया में। तो अब मैं वैसे तो रेडी हो गया था टाइम पर, उसके बाद अब मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने मैकडॉनल्ड्स में, तो जब तक ऑर्डर आ रहा है तो तब तक मैं थोड़ा सा मैकडी का यहाँ का व्यू चेक कर रहा था, काफ़ी शानदार है। और मैकडी से बाहर का व्यू की बात कीजिए तो बहुत ही बेटर है भाई, ये 24 आवर सर्विस है, 24 घंटे ये ओपन रहता है मैकडी। और अभी हमने 2 जनों का ब्रेकफास्ट लिया है विद कोल्ड कॉफ़ी के साथ 29 रिंगर्स में, तो जो भी मैं रिंगर्स की अमाउंट बोलता हूँ उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 20x20 इंडियन रुपीज़ में, तो इनका एक रिंगर जो है 29 का। तो हमारा ब्रेकफास्ट फाइनली आ चुका है मसरूर भाई के साथ, और अब हम ब्रेकफास्ट करके तो फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तो आंधी खाए जी, तो चेक करते हैं यहाँ का टेस्ट
मैकडॉनल्ड्स का। तो हमारा जो है मैगी टेस्ट चेक करके तो आपको बताता हूँ कि मैगी का यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमारे इंडिया का तो आपको पता ही है। ओके, खा के तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सैयद ब्लॉग्स। तो उस टाइम मैं निकला हुआ था मलेशिया, वॉक पे निकला हूँ सारा कि पैदल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो ये जो है यहाँ पे एक साइकिल है और इस पर जो है QR कोड होता है। ये आपको दिखाता हूँ कि QR कोड होता है, उसको स्कैन करो और फिर आपने जहाँ जाना है वहाँ जाओ और वहीं पे इसको छोड़ के आपने आगे चले जाना। ये पेमेंट आपसे काट लेंगे, आप लोकेशन डालोगे जो जिस लोकेशन पे आप रुकोगे तो ये पेमेंट काट लेंगे। साइकिल है और ये स्कैनर है, जैसे हमारे उधर गूगल पे फ़ोन पे चलता है। तो ये साइकिल है और यहाँ का व्यू जो है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे वही छाता लेके तो हमेशा चलना है क्योंकि एकदम से बारिश और एकदम से धूप कब आ जाती है पता ही नहीं लगता। अभी नॉर्मल है मौसम और अभी बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, तो मुझे साइड में रुकना पड़ा। एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये सड़कें वगैरह गीली हैं, पानी भरा हुआ देख सकते हैं। तो आप जो है मैं रोड क्रॉस करके, रोड भी यहाँ पे बहुत ध्यान से क्रॉस करना है। तो अब मैं रोड क्रॉस करता हूँ, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ रॉन्ग साइड से। रोड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ की बसेस यहाँ पे डबल भी चलती हैं, डबल फ्लोर वाली। और बिल्डिंग्स का तो भाई पूछो ही मत, जहाँ तक कैमरा भी नहीं जा रहा वहाँ तक बिल्डिंग्स हैं, देख सकते आप। मैंने पूरा कैमरा जो है खड़ा किया तो मैं बिल्डिंग को ले पाया। तो अब मैं गूगल मैप लगाया हुआ मैंने अभी, वैसे ही मैं जो हूँ यहाँ के रूट्स के व्यू का ब्लॉग बना रहा हूँ। फिर अभी जाना है मुझे कल परसों यहाँ पे जो मेन टूरिस्ट प्लेस हैं पे। थोड़ी सी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो थोड़ा इशू हो जाएगा जो है मुझे रोड क्रॉस करना। रोड यहाँ पे वही जैब्रा लाइन से ही क्रॉस करना होता है। ये मैं रोड क्रॉस करके जा रहा हूँ, यहाँ पे शॉप्स हैं एक से एक। यहाँ पे आपको लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिलेगा, चाइनीज भी इंडियन भी। यह है जी कुआलालंपुर की मेन सिटी का व्यू। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। यहाँ की कार पार्किंग और मैं जो हूँ फ्लाई ओवर पे वॉक करके जा रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे हमारी ओला उबर ऐप है टैक्सी की, यहाँ पे चलती है ग्रैब। तो ग्रैब ऐप से मैंने अभी टैक्सी वगैरह बुक करनी है आगे जाके। अभी लंच करूँगा तो फिर टैक्सी बुक करके फिर देखेंगे मलेशिया का व्यू। बेहतरीन सिटी है भाई। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कितना ही केयरफुली काम चलता है, उन्होंने जो है शीट्स लगा के रखी हुई हैं। आगे रखी हुई है ताकि डस्ट ना जाए जो काम चल रहा है बाहर रोड पे, पत्थर डस्ट ना आए। ये सारा जो ब्लॉग है ये वॉक करके ही बन सकता सही, क्योंकि कार वगैरह पे थोड़े से व्यू मिस हो जाते हैं। बिल्डिंग्स देखो भाई, बुर्ज खलीफा के। ये देखो भाई यहाँ पे एक से एक जो है परिंदे अवेलेबल हैं, मलेशियन। शॉप के नाम बहुत ही अजीब गरीब करते हैं। और यहाँ पे भी कई पुराने पुराने मॉडल की कार जो एक्सपायर खड़ी हुई हैं। तो इस टाइम काफ़ी चल चल के मैं जो हूँ थक चुका था। तो भाई यहाँ पे नारियल पानी लिया है, अपने इंडिया में तो मिलता है
50 से 60 रुपए का, यहाँ पे मिला 5 रिंगर मतलब 100 रुपए का। और टेस्ट में बेस्ट, अपने इंडिया के जैसे ही है, सेम थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बल्कि।